মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে ভার্চুয়ালি বক্তব্য পেশ করেন মোদী আর সেখানে এক দেশ এক ইউনিফর্মের পক্ষে বলেন মোদি দেশের সব রাজ্যে পুলিশের একই পোশাক হওয়া উচিত বলে মনে করেন মোদী মোদী বলেন প্রতিটি রাজ্য অন্য রাজ্যের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে দেশের স্বার্থে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন এটাই দেশের নাগরিকদের প্রতি কর্তব্য এক দেশ এক ইউনিফর্মের নিয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী তার দাবি কোনো অপরাধ শুধু রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না অপরাধ হতে পারে অন্তরাজ্য বা আন্তর্জাতিক তাই রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে বোঝাপড়া থাকা জরুরি তার মতে সব রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা না থাকলে এসব সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয় প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী দেশের সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করাই ছিল দুদিনের চিন্তন শিবিরের মূল উদ্দেশ্য পুলিশ বাহিনীর সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বিচারের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযুক্তির ব্যবহার সীমান্ত সুরক্ষা উপকূলীয় নিরাপত্তা নারী সুরক্ষা মাদক পাচারের মতো বিষয়গুলি ছিল মূল আলোচ্য जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलोमिटी होती है प्राकृतिक आपदा होती है तो इन दिनों एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है उनका यूनिफॉर्म उस संकट के समय पहले पहुंच जाना और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं चलिए समझ जाएगा ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा और आप देखिए एनडीआरएफ में है कौन भाई एसडीआरएफ में है कौन आप ही के सब साथी हैं सुरक्षा बलों के जवान ही है लेकिन समाज में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बन गई है आपदा के समय में जैसे ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है अब से अपना काम कर लेंगे साथियों अपराध वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बेहतर हुई थी पुलिस के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे जरूरी संसाधन जुटा रहे थे अपने जिंदगी को दाव पे लगा रहे थे यानी कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना उसके लिए प्लान करना हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना कुछ गलत होता है तो रोकना ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए साथियों हमें एक बात और समझनी होगी अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सीमती रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल ये बहुत जरूरी है और इसीलिए आपको मालूम होगा मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दो एडजॉइनिंग स्टेट होते हैं उसके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं उन्होंने पीरियोडिकली बैठ करके दोनों राज्यों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकलन करना चाहिए साथ मिलकर काम करना चाहिए उसी में से ताकत बनेगी कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो चाहे केंद्र की एजेंसी हो या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए कोई बड़ा है कोई छोटा है किसका अधिकार है उसी में कभी कभी तो हम देखते हैं एक आध एफ रजिस्टर नहीं हुई क्यों नहीं हुई तो बोले ये तय नहीं हो रहा है कि वो जो जगह है वो इस थाने में पड़ती है उस थाने में पड़ती है ये जो चीजें हैं वो सिर्फ पुलिस थाने तक नहीं है राज्यों के बीच भी हो जाती हैं केंद्र और राज्य के बीच में हो जाती हैं भारत और विदेश की व्यवस्थाओं के साथ हो जाती है इसलिए हमारी एफिशिएंसी के लिए हमारे आउटकम के लिए सामान्य नागरिक को सुरक्षा देने के लिए हमारे बीच में तालमेल संकलन सहयोग बहुत अनिवार्य है বৃহস্পতিবার শিবিরে বক্তব্য পেশ করেন অমিত তিনি উল্লেখ করেছেন সারা দেশের সব রাজ্যের সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে এই শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শিবিরের জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের কথাও বলেছেন তিনি